किस प्रकार का ज्ञापन दिया है आप लोगों ने? यहाँ हिंदू समाज की जो लड़की है वो मुस्लिम समाज लव जिहाद के हिसाब से उसे छेड़ ले गए, मेला मुस्लिम उनके ले गए, इसलिए ये ज्ञापन सौंपा है और हर जगह ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है, मांग की जा रही है शासन से। जी, क्या शुभ नाम आपका? कैलाश गोयल। धन्यवाद। ऐसा भी हमारे जो राजपुर में हमारी समाज की एक हमारी बहन के साथ में एक शांति दूत के द्वारा बहुत ही जिन्होंने हरकत की है उसके लिए हमने ज्ञापन दिया और हम पूरी समाज प्रजापति समाज बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में और हम शासन प्रशासन को ये चेतावनी देते हैं कि इसको मतलब जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार इनको परिवार सहित की जाए, नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद। हमारे प्रजापति समाज की जो लड़की है राजपुर से मुसलमान युवक लेकर के भाग गया है उसके विरोध में पूरा समाज प्रजापति समाज यहाँ पर तहसीलदार जी को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुआ है। बड़ा गहरा रोष है कि हिंदू समाज की लड़कियाँ प्रजापति समाज की होकर के ऐसे मुस्लिम युवकों के झांसे में प्रलोभन में आकर के और धर्मांतरण की ओर ले जाया जाता तो शासन से हमारी यही मांग है कि उसे उस पर कार्रवाई की जाए, दोषियों को सख्त सजा दी जाए और हमारी बेटी हमें परिवार के सुपुर्द की जाए। मेरा नाम महेश पन्नालाल गोले, प्रजापति समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमने हमारी प्रजापति समाज की लड़की को भेला फुसलाकर मुस्लिम समाज का लड़का भगा कर लेगा और लव जिहाद का मामला बना है जो कि हमारी प्रजापति समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा वज्रपात हुआ है, क्या हमारे मान सम्मान को ठेस पहुँची है। इसी के विषय में कठोर कार्रवाई के लिए श्री मुख्यमंत्री जी महोदय को ज्ञापन सौंपा, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी महोदय एवं एसपी जी को, ताकि मुस्लिम समाज के उस परिवार के ऊपर कठोर कार्रवाई कर हमारी लड़की जल्द हमारे सुप्रत की जाए। सर आज 3 दिन हो गए हैं। मुस्लिम समुदाय के लड़के द्वारा हिंदू समाज की लड़की को दवा कर ले जाने के संबंध में प्रतिगण समस्त प्रजापति समाज अलीराजपुर महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि हम संपूर्ण प्रजापति समाज अलीराजपुर के होकर यहाँ निवेदन करते हैं कि दिनांक 7/7/2021 को सिद्धि प्रजापति पिता उपम प्रजापति निवासी ग्राम राजपुर जिला बड़वानी को किसी इरफान शेख निवासी राजपुर जिला बड़वानी द्वारा महिला फुसलाकर भगाकर ले गया जिसकी आज दिनांक तक कोई जानकारी नहीं है, जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना राजपुर में दर्ज है। अंत श्रीमान से निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र उक्त संबंध में उचित कार्रवाई की जाए।